ईपीएस यानी कि इम्प्लॉई पेंशन स्कीम यानी कि आप बोल सकते हैं कर्मचारी पेंशन योजना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस के बारे में, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम के बारे में कि आखिर ईपीएस पेंशन स्कीम होती क्या है। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ईपीएस पेंशन के फायदे क्या क्या हैं, ईपीएस पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना के नियम एवं शर्तें क्या क्या है, मतलब कंडीशन क्या है ईपीएस पेंशन लेने के, और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान कितना होता है और आप 58 साल के पहले ईपीएस पेंशन लेने के लिए क्या करना होगा और 58 साल के बाद बड़ी ईपीएस पेंशन कैसे मिल सकती है आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अप, और आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएस के बारे में, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम के बारे में। पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं यानी कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो आप कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि इम्प्लॉई पेंशन स्कीम ईपीएस का लाभ भी आपको मिलना तय है, कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा काम आता है यानी कि नौकरी छोड़ने के बाद जो पीएफ का पैसा काम आता है, उसी तरह नियमित जरूरतों के लिए पेंशन भी काफी अहम होती है। यानी कि जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको एक स्टेज पर आकर आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है ईपीएस पेंशन स्कीम के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसी टॉपिक से हम बात करेंगे, तो ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, जिससे कि जिसको भी अगर ईपीएस पेंशन स्कीम के बारे में ना पता हो उसको अब सारी की सारी जानकारी इससे मिल सके। मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ईपीएस से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपको आपका जो क्वेश्चन रहेगा, कॉमेंट रहेगा, उसका रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत तहदिल से शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कैसे सब्सक्राइब करना है। जब आप वीडियो देख रहे हैं उसको ठीक नीचे कुछ इस तरह से आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सिंपल आप उसको प्रेस कर दीजिए। जब इसको प्रेस करेंगे तो इसके साथ साथ एक बेल आइकन भी आएगा कुछ इस तरह से, जी हाँ, इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो सबसे पहले आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड और टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हो, आपको कुछ ज्ञान मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए इस छोटे से मैसेज के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ईपीएस के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ईपीएस पेंशन के बारे में कि ईपीएस पेंशन आखिर है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईपीएफ पेंशन या फिर ईपीएस एक पेंशन स्कीम है जो प्राइवेट सेक्टर में संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। नौकरी के दौरान आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 8.33% हिस्सा 1250 रुपए से ज्यादा नहीं इस पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसके एवज में यह कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। जो ये ईपीएस पेंशन स्कीम है, इसके माध्यम से गवर्नमेंट कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। यहाँ पर एक बात आपको जाननी जरूरी है, वो ये है कि ईपीएफओ ही इस पेंशन स्कीम को देखता है, यानी कि ईपीएफओ ही ईपीएस पेंशन स्कीम को मैनेज करता है। जो ईपीएफओ है वो भारत सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइज सभी कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट को मैनेज करता है। ईपीएफओ ही पेंशन अकाउंट को भी मैनेज करता है। भारत में हर ऐसा संस्थान स्टेबलमेंट जहां पर यानी कि ऐसी कंपनी जहां पर 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं उसे ईपीएफ स्कीम में हिस्सा लेना होता है। चूंकि इम्प्लॉई पेंशन स्कीम इस योजना के साथ जुड़कर चलती है, इसलिए ऐसे हर संस्थान के कर्मचारी भी इस पेंशन योजना का हिस्सा अपने आप बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। तो ये जो ईपीएस है, ईपीएफ पेंशन है, इसमें कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान कितना होता है, तो ईपीएफ के नियमों के अनुसार हर कर्मचारी को अपनी सैलरी बेसिक पे प्लस डीए का 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में कटवाना होता है। यानी कि जो आपकी जो सैलरी है बेसिक पे प्लस डीए, उसका 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है, ईपीएफ कट जाता है। कर्मचारी के अंशदान एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के बराबर ही अंशदान कंपनी या नियोक्ता एम्प्लॉयर को भी इस अकाउंट में जमा कराना अनिवार्य है। इसके अलावा नियोक्ता के 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33 एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में जमा हो जाता है, लेकिन पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन की मात्रा 1250 रुपए महीने से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए अतिरिक्त रकम कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में ही जमा करनी होती है, फिर चाहे ये 3.67 हो या इससे ज्यादा। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये 15,000 तक बेसिक सैलरी पर अनिवार्य
अनिवार्य है। ईपीएफ या ईपीएस में ऐसे कर्मचारियों का अंशदान जमा होना अनिवार्य है जिनकी बेसिक पे प्लस डीए 15,000 या इससे अधिक है। जो कर्मचारी इससे अधिक बेसिक सैलरी पाते हैं उनके पास ईपीएस और ईपीएफ को अपनाने या छोड़ने का विकल्प होता है। हालांकि एक बार अगर आप एम्प्लॉई प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइज का मेंबर बन जाते हैं तो वह पूरी नौकरी तक इस अवधि तक इसका मेंबर बना रहता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ईपीएफ स्कीम का मेंबर बनने वाला हर शख्स मतलब हर जो एम्प्लॉई है पेंशन स्कीम का मेंबर अपने आप बन जाता है। आपके पीएफ खाते में नियोक्ता जो पैसा डालता है यानी कि जो आपकी कंपनी जो पैसा डालती है उसका एक हिस्सा पेंशन स्कीम के लिए इस्तेमाल होता है जबकि आपकी सैलरी से जो पैसा कटता है वो पूरा का पूरा ईपीएफ स्कीम में चला जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं ईपीएस ईपीएफ पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी कि एम्प्लॉई प्रोवाइडेंट फंड स्कीम का सदस्य होना चाहिए। आपको नौकरी का कार्यकाल है वो कम से कम 10 साल तक होना चाहिए तभी आप ईपीएस पेंशन स्कीम के हकदार होंगे। इसके अलावा कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, हालांकि 50 साल की उम्र पर भी पेंशन का विकल्प चुना जा सकता है लेकिन इस सिचुएशन में आप क्योंकि जो पेंशन है वो काफ़ी कम मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पेंशन को 60 साल की उम्र से भी शुरू करा सकते हैं। ऐसा करने पर आपको हर वर्ष के लिए 4% सालाना की दर से बढ़ी हुई मात्रा में पेंशन मिलती रहती। इसके अलावा कर्मचारी की ईपीएस कर्मचारी की अनटाइमली मृत्यु होने पर उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार होता है। कर्मचारी खुद भी पूर्ण रूप से अक्षम होने की स्थिति में पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब बता देता हूं कि 58 साल के पहले पेंशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसा कि बताया कि आप 58 साल की उम्र पूरी करने के पहले भी अपनी पेंशन शुरू करा सकते हैं, ले सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में आपको सामान्य पेंशन के मुकाबले कम पेंशन मिलेगी। इस घटी हुई पेंशन को पाने के लिए भी आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए। जिस तरह से आप जिस तारीख को रिड्यूस पेंशन का विकल्प चुनते हैं उस तारीख को आपकी उम्र कम से कम 50 साल पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा आपने कम से कम 10 साल तक नौकरी की अवधि पूरी की हो। आपको फॉर्म 10D के माध्यम से रिड्यूस पेंशन पाने का विकल्प चुनना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि 58 साल की उम्र से जितने साल उम्र कम होगी उतने वर्षों के लिए 4% सालाना की दर से पेंशन रकम आपको कम मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ईपीएस ईपीएफ पेंशन स्कीम के फायदे की। तो देश के किसी भी हिस्से से आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएस पेंशन प्लान जो है ये सरकार का है इसलिए इसमें किसी तरह के जोखिम रिस्क या गड़बड़ी की गुंजाइश भी नहीं होती। इसके अलावा जो सरकार है वो खुद भी आपके पेंशन अकाउंट में अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अन्य निवेश योजनाओं की तरह यानी कि बाकी जो निवेश योजना है उसकी तरह ईपीएस पेंशन प्लान आपके जमा पैसे पर रिटर्न पर आधारित नहीं है बल्कि यह सिर्फ सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कर्मचारी और उसके परिवार की सोशल सिक्योरिटी इसके लिए सबसे ज्यादा अहम है। जैसे कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी करते हुए भगवान ऐसा ना करे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को जिंदगी भर पेंशन मिलती है भले ही कर्मचारी ने सिर्फ 1 साल सर्विस की हो। इसके अलावा मैं आपको अब बताता हूँ इस योजना के अन्य फायदे क्या क्या हैं। इसके अलावा इसके फायदे हैं कि जो ईपीएस ईपीएफ पेंशन प्लान में जो अंशदान कंट्रीब्यूट होता है उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता बल्कि आपकी कंपनी या नियोक्ता अपनी तरफ से आपके पेंशन अकाउंट में पैसा जमा कराता है। अगर आप चाहे तो 50 साल की एज पर भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने पर आपको जो नॉर्मल पेंशन के मुकाबले कम मात्रा में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा ईपीएस पेंशनर की विधवा या विधुर की मौत हो जाने पर या दूसरी शादी कर लेने पर पहले वाले बच्चों को बढ़ी हुई मात्रा में पेंशन मिलती है क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चों को अनाथ की श्रेणी में मान लिया जाता है। अगर कोई बच्चा स्थायी विकलांगता का शिकार है तो उसे जिंदगी भर ईपीएस पेंशन मिलती रहेगी, ये गवर्नमेंट का रूल है। इसके अलावा एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी की जो ईपीएस स्कीम के तहत काम करता है उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को भी थोड़ी कम मात्रा में ईपीएस पेंशन मिलती रहती है। यहां तक कि कर्मचारी के 2 बच्चे भी 25 साल की उम्र तक ईपीएस पेंशन पाने के हकदार होते हैं इसलिए इसे ईपीएस फैमिली पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात मैं बता देता हूँ कि यह एक गारंटी शुदा पेंशन प्लान है। आपको पहले ही अपनी पेंशन का अंदाजा हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपनी ईपीएस पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं बैंक बाजार वेबसाइट जो है उसके होम पेज पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस के बारे में दिया गया है, ईपीएस 95 के बारे में। बाकी bankbazaar.com का जो ये URL है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप भी अपनी तरफ से अच्छी तरह से कैलकुलेट चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ईपीएस के बारे में।
तो यहाँ पे सब इसको ओपन करेंगे यूआरएल को, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अबाउट एम्प्लॉई पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के बारे में कुछ बताया गया है। तो थोड़ा सा पेज को नीचे ड्रैग करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ईपीएस के बारे में बताया वो आप पढ़ सकते हैं, और नीचे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ईपीएस। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है कि एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी स्कीम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, और यहाँ पे है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशंस और एम्प्लॉयर। तो जो ईपीएफ होता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, उसमें एम्प्लॉई जो होता है, जो कर्मचारी होता है वो 12% देता है, और जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, वो देती है 3.67। ऐसे ही जो ईपीएस है, ईपीएस पेंशन स्कीम, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम, उसमें देखिए एम्प्लॉई, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई में नील है, मतलब कर्मचारी को उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता, इसमें एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी है वो देती है 8.33%। ऐसे ही EDLIS एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंकिंग इंश्योरेंस है, इसमें एम्प्लॉई कुछ भी नहीं देता, नील रहता है, उसमें कंपनी ही देती है, एम्प्लॉयर ही देता है 0.5%। इसके अलावा EDLIS एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज होते हैं, उसमें भी एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं रहता, नील रहता है, और एम्प्लॉयर देता है 0.01%, एम्प्लॉयर का जो आपकी जो कंपनी है उसका कंट्रीब्यूट होता है। इसके बाद आता है ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ओके, इसमें एम्प्लॉयर का 0 रहता है और एम्प्लॉयर है कंट्रीब्यूट उसका 1.1 रहता है। तो यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है, इसमें थोड़ा सा बेसिक समझाया गया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, बाकी मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हाउ मच पेंशन विल यू गेट, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वो आप अच्छी तरह से देख लेना क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ योर मंथली पेंशन इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड एज द मे सिंस 95% ऑफ एम्प्लॉयज विद ए पेंशन अकाउंट रिसीव ओनली ₹1250 पर मंथ, मतलब 95% एम्प्लॉई हैं वो ₹1250 पर मंथ अपनी पेंशन ले रहे हैं। हाउएवर द कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉई हु वेयर एम्प्लॉय बिफोर 95 एंड दे एम्प्लॉय आफ्टर इज डिफरेंट, मतलब जो ये है 95 से पहले और 95 के, इनके दो रूल हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ देख लो एम्प्लॉई आफ्टर 95, अगर मैं पूरी डिटेल से इसके बारे में बताने लग गया आपको तो आप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए मंथली पेंशन कैलकुलेशन एम्प्लॉयड बिफोर 16/11/1995, मतलब 1995, ठीक है, पहले उसमें ईयर ऑफ पास्ट सर्विस में लिखा हुआ है अप टू 2500 सैलरी और अबाउट टू 2500 सैलरी, तो ये बिलो 11 ईयर्स, बिटवीन 11 टू 15 ईयर्स, बिटवीन 15 टू 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स, तो यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयज हु गोट जॉब बिफोर 16 नंबर्स 95 डू कैलकुलेट पेंशन लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे पूरी डिटेल से लिखा है, तो आप आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा कमेंट का। और इसके नीचे आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फोरम की डिटेल मिल जाएगी, देखो फोरम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉई पेंशन स्कीम ईपीएस, तो यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा फोरम नेम का, और दूसरा फील बाई, किसके बाई फिल करना है, और उसके बाद इस फोरम का क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोरम 10C बेनिफिशियरी ऑफ द मेंबर, और उसका विड्रो बेनिफिट स्कीम सर्टिफिकेट का है। ऐसे ही फॉर्म 10D है मेंबर को फिल करना है, टू अवेल पेंशन आफ्टर 50 ईयर ऑफ द एज, टू अवेल पेंशन बिफोर 50 ईयर बट आफ्टर टर्निंग 50, टू अवेल डिसेबिलिटी पर्सन, तो ऐसे फॉर्म 10D है। तो ऐसे करके सारे फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं, फॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट, नॉन रिमेजिंग सर्टिफिकेट, और इसके नीचे थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ FAQ मतलब फ्रेंकली आज क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, आपके अगर कुछ मन में डाउट्स होगा तो यहाँ से भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को, अगर मैं दोबारा से बता देता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो के ठीक नीचे आपको रेड कलर में कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, जब वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर में कुछ इस तरह से बटन मिलता है उसको दबा लीजिए, और उसके साथ साथ एक बेल आइकन भी आ जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे दबाएंगे तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमें कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारे सब्सक्राइबर आप बन जाएंगे, मतलब इसका कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री, ऐसा कुछ नहीं, मतलब इससे होता ही है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आगे मैं काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेज बेस्ड टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि जो वीडियो आपके, क्या पता कौन सी वीडियो आपके काफ़ी काम आ जाए, और जो भी EPS से रिलेटेड अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, EPF से रिलेटेड, EPS से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।